हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोटेक अथॉरिटी। दिस इज खेमानंद और आज मैं वापस आ गया हूँ दोस्तों नेरो प्लेस में ग्राफिक कार्ड का प्राइसेस कवर करने में। और अभी दोस्तों अभी क्रिप्टो का जो मार्केट है काफ़ी क्रैश हो चुका है, तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं उसका ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस में क्या इफेक्ट हुआ है। तो अभी मैं नेहरू प्लेस में आया हूँ सुभाष भाई के पास, तो यहाँ पे देखते हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, अभी सारी चीज़ें समझेंगे और आने वाले टाइम में क्या कंडीशन रहने वाला है वो भी समझेंगे। तो भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। हाँ, तो भैया सबसे पहले तो जो नए व्यूअर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको एड्रेस ढूंढ के मिलता नहीं है, थोड़ा सा गाइड भी कर दीजिए। तो मेरा नाम है सुभाष और मेरे स्टोर का नाम है डिजिटल ओशन, और हम लोग यहाँ पे नेहरू प्लेस में लोकेट करते हैं। बजाज हाउस है यहाँ पे, 97 नंबर बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर पे आप डायरेक्टली आना आपको। और मेरा यहाँ पे ये शोरूम है, इसके अलावा सामने हमारा जहाँ पे हम पीसी असेंबल करते हैं वो एरिया होने वाला है वहाँ पे। तो दोनों आमने सामने ऑफिस है यहाँ पे, 305 और 312A बजाज हाउस में 3rd फ्लोर पे। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है digitalpcshop.com, अगर वहाँ से आप इंडिविजुअल कंपोनेंट बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी अपनी कस्टम पीसी बिल्डिंग वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, कस्टम पीसी बिल्ड के अंदर मैं आपको एक प्राइसिंग जो है ग्राफिक कार्ड की या फिर अदर कंपोनेंट की अच्छी मिल जाएगी, बट सिंगल में थोड़ा सा कॉस्ट आपको पीसी बिल्ड के मुकाबले थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है वहाँ पे। इसके अलावा अगर किसी को आने में यहाँ पे दिक्कत होगा, तो स्क्रीन पे यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आप, ये हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है, आप कभी भी मेरे पास आके इस पर आप कॉल कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली कोई भी वहाँ से नीचे से पिकअप कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो है क्रिप्टो मार्केट तो काफी डाउन हो गया, मतलब एक तरीके से काफी उथल पुथल मची हुई है। अभी क्रिप्टो मार्केट में आप समझो अप्रॉक्स 40% का जाना जो मार्केट नीचे गया है, और हाँ अभी फिर थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट भी हो गया, करंटली देखा होगा मार्केट आपने, बट अभी ये मार्केट और भी नीचे जाएंगे और ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस भी अभी और नीचे जाने वाले हैं। जाने वाले हैं? बिल्कुल जाएंगे अभी। अच्छा, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई एलोकेशन नहीं मिला था कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग नीचे जाएंगे नहीं जाएंगे, बट अभी सभी ग्राफिक कार्ड के प्राइजेस दोबारा से नीचे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, और अब लगता है कि ग्राफिक कार्ड एक टाइम ऐसा आएगा जब MSRP पे आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है अब जो है गेमर्स का टाइम आने वाला है। बिल्कुल, अपना टाइम आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अपना टाइम आने वाला है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे आज कैसी प्राइसिंग आप देने वाले हो? देखो, अभी जितने भी मेरे ग्राफिक कार्ड है सारे ये फ्रेश स्टॉक है, और इसके अंदर प्राइसिंग भी मैं आपको एकदम बेहतरीन प्राइसिंग देने वाला हूँ ग्राफिक कार्ड के अंदर में। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस को, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। हाँ, बट ये जो प्राइस होंगे ये पीसी बिल्ड के साथ में इंडिविजुअल आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर में जो आपकी कॉस्टिंग है सिर्फ अभी क्या होता है ग्राफिक कार्ड के साथ में और भी कंपोनेंट आते हैं, दहेज। हाँ, दहेज जिसे कहते हैं, जो दहेज की प्रथा है वो अभी भी इम्पोर्टर के वहां से चलती हुई आ रही है। तो लाइक आप एक ग्राफिक कार्ड पे आपको या 5 बोर्ड लेने हैं, लिक्विड कुछ भी चीजें लेनी पड़ सकती है, चाहे कैबिनेट लेने से पड़ सकता है। तो अगर आप पीसी लेते उसके अंदर मैं आपको भी जितनी प्राइसिंग बताऊंगा सारी पीसी बिल्ड के साथ में इंडिविजुअल, इसके लिए जो है अगर प्राइसिंग आपको चेक करनी है तो आप वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अब गेमर्स का टाइम आने वाला है, जो लोग काफी दिन से वेट कर रहे हैं उनको काफी अच्छा प्राइसिंग मिल जाएगा, और कुरियर वगैरह हो जाएगा सभी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं या यहाँ से भी मंगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस समझ लेते हैं। तो भैया फिर स्टार्ट करते हैं, जो प्राचीन काल वाले जो कार्ड है उनको तो फटाफट से बता दीजिएगा, बाकी जो गेमर्स वाले कार्ड है वहाँ से नॉर्मली हम बात करेंगे। देखो, अगर ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं यहाँ पे अपने को ओल्ड जनरेशन का ध्यान भी रखना है, इसके अलावा जो न्यू जनरेशन है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो जो कुछ स्टार्टिंग ग्राफिक कार्ड है मैं उसकी प्राइसिंग आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपने यहाँ पे 730 से। 730 में आपको ये मिल जाएगा 2GB का DDR5 वेरिएंट ASUS की तरफ से, ये मिल जाएगा आपको 3650 रुपए का, 3650 का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें बेसिक जो DDR3 वाला चाहिए वो आपको मिल जाएगा 2800 रुपए का, मिल जाएगा 2800 रुपीज का। ठीक है, ठीक है। और ब्रांड ASUS का तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि DDR5 का ग्राफिक कार्ड है और आपके पीसी को एक अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सकता है एंट्री लेवल के अंदर में। बट अगर आपको हाई एंड थोड़ा सा जाने से ऊपर जाना है तो आप 730 के अंदर में 4GB का ग्राफिक कार्ड प्रीफर कर सकते हो, जो कि अपना कलरफुल की तरफ से आता है और वारंटी मिलती है आपको 3 साल की, और ये भी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। देखो, ये 730, 1030 और जो इसमें 710 है, ये सारे एंट्री लेवल के ग्राफिक कार्ड है, ये सारे एंट्री लेवल के ग्राफिक कार्ड हैं, और इसके अंदर में आप ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते स्टिल, बट ये आपको एक अच्छी जो है परफॉर्मेंस दे सकता है आपके जिन प्रोसेसर में इनबिल्ट ग्राफिक नहीं आते उनके साथ के लिए। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 730 4GB का DDR3 वाला वेरिएंट, ये मिल जाएगा आपको 5800 रुपए का। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा 1030 जो इससे ऊपर जाना चाहते हैं, 1030 आपको 4GB का वेरिएंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 6900 रुपए का मिल जाएगा ये।
ठीक है, और 4GB का DDR अपना ये 4 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी इन बाकी का ग्राफिक कार्ड के मुकाबले। ठीक है, मतलब प्राइस काफी अच्छे होने वाले हैं आज। हाँ, ये प्राइसिंग जितने भी है सारे पीसी बिल के साथ में, और प्राइसिंग आपको एकदम बेहतरीन मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके प्राइसिंग में उठा के किसी और चीज में इन्वॉल्व करने वाला, वैसा कुछ नहीं है। आपको किसी का पूरे पीसी बिल का अगर क्वेश्चन चाहिए तो डायरेक्टली व्हाट्सएप से मेरे पे भेज सकते हैं, मैं अपना जो कोड के लिए मैं आपको प्राइसिंग वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे 1050 Ti, ये आता है MSI की तरफ से, ये आपको मिल जाएगा अभी 15,800 rupees का। ठीक है, मतलब काफी अच्छी प्राइसिंग है। हाँ, और इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहती है जिनको, मतलब देखो बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, मीन्स इंट्री लेवल से हटके ही है। एक होता है इंट्री लेवल, एक होता है मिड रेंज के अंदर में, तो मिड रेंज के अंदर में आपको मिल जाएगा ये अपना, और ब्रांड भी अच्छा है, MSI का ब्रांड है, आपको 15,800 rupees मिल जाएगा विद बिल्ड में। अगर यही चीज आप लेते विदाउट बिल्ड लेते सिंगल यूनिट लेवल, तो आपको ये कोई 16,800 के आसपास का मिलेगा उस अंदर में। ठीक है, ठीक है, तो प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सिंगल और पूरे पीसी बिल के साथ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, जो उसके ऊपर के ग्राफिक कार्ड है 1650, यहाँ पे मेरे पास स्टॉक में नहीं है, बट MSI के मेरे पास अभी स्टॉक आ रहे हैं, तो MSI Inno 3D में आपको उसके अंदर में मिल जाएगा, वो आपको 18,200 rupees का मिल जाएगा। ठीक है, 18,200 rupees आपको MSI मिल जाएगा, और Inno 3D आपको 17,900 का मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है, काफी बढ़िया प्राइसिंग। ठीक है, और जो 1650 है वो अपना जो 1050 Ti है, ये आता है अपना DDR5 का वेरिएंट, और वो आएगा DDR6 का वेरिएंट उसमें, चाहे आप Inno 3D लो, चाहे आप उसमें MSI लो, चाहे कोई भी ब्रांड लो उसमें। ठीक है, इसके अलावा चलते इसके जो ऊपर के मॉडल्स हैं, लाइक 1660 पे 1660 लेना अभी कोई ज्यादा वर्थ इट नहीं है, मैं आपको बताऊं उसके अंदर में, बट स्टिल ये एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है, 6GB वेरिएंट के यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है, और इसके प्राइसिंग जो अभी आपको मिलेगी, ये मिलेगा आपको 23,500 rupees का। 23,500 का, और लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड स्टॉक है, आप 5-6 PC पड़े हैं इसमें, तो आपको इतना ही मिलेगा इसके अंदर में। ठीक है, और इसमें ब्रांड के भी ज्यादा ऑप्शन अभी है नहीं, क्योंकि लाइक ZOTEC में ग्राफिक कार्ड 1660 आने रहे, और इसके अलावा MSI में तो अभी आना बंद ही कर दिया। हाँ, जो ग्राफिक कार्ड मिलेगा आपको सिर्फ PNY में मिलेगा 1660, या फिर गैलेक्सी में मिलेगा, तो आपको इससे 1,000-1,500 rupees ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 1660 सुपर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 1660 सुपर अगर आप लेते हैं पीसी बिल्ड के अंदर में, कोई प्रेफरेंस नहीं है इस ग्राफिक कार्ड की, कोई वर्थ इट नहीं है इसका, स्टिल मैं आपको प्राइसिंग बताने वाला हूँ पीसी बिल्ड के अंदर। पीसी बिल्ड के अंदर में ये ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा 26,500 rupees का। 26,500 rupees काफी कम हो चुके हैं हर कार्ड पे प्राइसेस। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक ये अच्छा ग्राफिक कार्ड आपका 3050 ASUS की तरफ से आपको मिल जाएगा 28,900 rupees का। ASUS का 28,900 rupees का, मतलब ये आपको पूरे बिल्ड में मिल जाएगा, और इसमें ऐसा भी नहीं मेरे पास लाइक लिमिटेड स्टॉक है, पांच ऐसा भी नहीं है इसमें। अच्छा, मेरे पास अभी इन स्टॉक में 20 यूनिट्स हैं, तो आप 20 पीसी बिल्ड के लिए इसको आप रिकमेंड कर सकते हो, आप इसके लिए प्राइसिंग मेरे से ले सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब प्राइसेस अब काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। इसके अलावा मैं अगर बताऊं प्राइसिंग के बारे में आपको, ZOTEC में लग देखो ये सिंगल फैन वेरिएंट है, इसमें थोड़ा सा प्राइसिंग का वहां डिफरेंस है, अगर आप ZOTEC लेते हो ये वाला, ये आपको दे दूंगा 29,500 rupees में। 29,500, ये आपको डुअल फैन का वेरिएंट मिलेगा 3050 के अंदर में, और अच्छा ग्राफिक कार्ड OC एडिशन भी है इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जो नए लोग होते हैं उनके लिए यहाँ से मतलब ग्राफिक गेमिंग स्टार्ट हो जाता है, काफी अच्छी। हाँ, यहाँ मैंने 3050 की बात करी, अब यहाँ पे कुछ RTX में और भी ग्राफिक कार्ड आते हैं जो पहले आते थे, उसके बताऊंगा पे 2060 में आपको 6GB का जो वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 32,000 rupees का मिल जाएगा। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हो, उसमें गैलेक्सी मिल जाएगा, और अगर ZOTEC अवेलेबल है तो ZOTEC भी दे दूंगा आपको। ठीक है, मतलब बाकी अगर इसमें मैं आपको बताऊँ 6GB का ना लेकर आप लेते हो 12GB का, 12GB का ग्राफिक कार्ड मैं आपको दे दूंगा 36,000 rupees का। ठीक है, विद पीसी बिल्ड। इसके अलावा बताऊँ सुपर का कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है पीसी बिल्ड के अंदर में आज के टाइम में, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जिनको यही चाहिए, उनके लिए प्राइसिंग है 44,000 rupees के। ठीक है, मतलब किसी को अगर इस कार्ड से प्यार हो गया है, हाँ, तो वो ले जा सकता है। बिल्कुल, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से एडिटर हैं, कहकर भाई मुझे वही चाहिए, मैं भैया 3060 लगा ला 12GB बोले ना, वो नहीं चाहिए मुझे, वही चाहिए, उनके लिए ये पुरानी दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है तो वो ले सकता है, ये उन लोगों का अपना याराना है एक तरह से। ठीक है, ठीक है, और ये 44,000 का आपको मिल जाएगा पीसी बिल्ड के अंदर में। इसके अलावा चलते कुछ ग्राफिक कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे 3060 में आपको यहाँ पे ZOTEC मिल जाएगा, ये ट्यूनेज वाला वेरिएंट है, इसमें OC भी आता है और ट्यूनेज अभी आ रहे हैं, OC वाला नहीं आ रहा। आज के टाइम का मोस्ट डिमांडिंग कार्ड, मोस्ट डिमांडिंग ग्राफिक कार्ड है, वो भी पीसी बिल्ड के लिए। अगर मैं बात करूँ इसके बिल्ड के अंदर में, आपको ये ग्राफिक कार्ड दे दूंगा 38,500 rupees का। 38,500 rupees का,
आपके पीछे बिल्ड के अंदर में, ठीक है। और इसके अलावा लाइक अगर कोई अगर हैवी बिल्ड लेता मेरे से i9 के साथ में, तो इसके अंदर में आपको प्राइसिंग देखो पीसी बिल्ड में इन ग्राफिक कार्ड में थोड़ी सी और आपको बार्गेन में कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और इसके अलावा ये जोटे के ग्राफिक कार्ड है, थोड़ी सी कार्ड प्रीमियम आते हैं। एक आपका MSI गेमिंग एक्स हो गया, ASUS में टफ हो गया, ASUS का रॉग हो गया, ये सारे ग्राफिक कार्ड कुछ बेहतरीन ग्राफिक कार्ड हैं, जिनकी परफॉर्मेंस और जिनकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी नॉर्मल ग्राफिक कार्ड से अलग होती है। ये ग्राफिक कार्ड आपको दे दूंगा पीसी बिल्ड के अंदर ना 40,000 रुपीज का, 40,000 ठीक है। MSI का गेमिंग एक्स, इसके अलावा अगर पीसी बिल्ड किसी को चाहिए, ASUS का टफ चाहिए, ROG चाहिए, इसमें आपको 2,000 से 2,500 रुपए एक्स्ट्रा देने को मिलेगा, बट मिल जाएगा आपको 42,500 के आसपास में आपको ASUS के अंदर टफ मिल जाएगा और ROG आपको 43,500 का मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 3060 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे चलते ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग के बारे में। स्टार्टिंग वेरिएंट है आपको 3060 Ti के अंदर में, एंट्री लेवल जाते हैं जो आपको 3060 Ti में, वो है आपका ये ग्राफिक कार्ड। इस ग्राफिक कार्ड की खासियत आपको देखो, जो लोग एडिटिंग करते हैं खासकर हमारे इस मार्केट में, नेहरू प्लेस हो चाहे आपका बेंगलोर हो चाहे आपका मुंबई हो कहीं भी, वहाँ पे करते क्या बंदे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, अगर आपने बोला भाई मुझे एडिटिंग पीसी बनाना है, मेरे ग्राफिक कार्ड कौन सा लगाना है, आपने बोला मुझे 3060 लगाना है, तो 3060 में जो आपका जो प्लेन है वो आता है 12 GB का, ठीक है, और जो TI आता है वो आता है 8 GB का। तो बहुत से लोग वहाँ कन्फ्यूज होते हैं, 8 GB वाला बढ़िया नहीं है, मैं 12 GB लूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो आपका 3060 Ti का है 8 GB का कूडा कोर, वो आपके नॉर्मल 3060 12 GB का उसके मुकाबले बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है, और उससे ये हाई रेंज आते हैं। तो आप ये लोगे और इसकी प्राइसिंग में आपको देने वाला हूँ 3060 Ti, ये 48,500 रुपीज का, ये 48,500 रुपीज का, ये ब्रांड है कलरफुल का। इसमें अगर आप जोटेक ले लो, इनो3D ले लो, तो उसके अंदर मैं आपको प्राइसिंग दे दूंगा, मैं अप्रॉक्स है 49,500 रुपीज़ का, ठीक है। इसके मार्केट में मतलब अभी थोड़े मतलब स्टॉक कम है, तो हाँ आप ये देखो, नॉर्मली अगर आप देखो इसकी प्राइसिंग जो है अभी दो तीन दिन पहले तक भी कम से कम 3,000-4,000 ऊपर चल रहा था, बट अभी जो इसकी जो प्राइसिंग है या इसकी मार्केट है, जब से क्रिप्टो क्रैश हुआ है प्राइसिंग अभी नीचे आई है, आगे और भी नीचे प्राइसिंग जाएंगे, 100% जाने वाले वहाँ पे, 100% जाने वाले, 100% चलिए बहुत अच्छा। बट देखो मैं कोई वहाँ पे गारंटीड नहीं है कि जाएंगे, बट ये कि उम्मीद है जाने की, और अगर जिनको बिल्ड करना है अभी तक मैं जो प्राइसिंग दे रहा हूँ ना, अभी ये पूरे वीक के अंदर में आपके वैलिड रहने वाले हैं, तो पीसी बिल्ड के लिए आप प्रेफर कर सकते हो ये सारे ग्राफिक कार्ड्स, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। अगर बात करते हैं 3060 Ti के अंदर में, MSI के बारे में, MSI ले लो या फिर आपका ASUS के अंदर में, तो ये आपको थोड़ा सा जो है ये आपको अप्रॉक्स 50 के आसपास का मिल जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। और अगर बिल्ड में लिमिट से कोई लेता है, मैं इसको 49,500 तक भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है, ठीक है। 3060 Ti के अंदर में इसके अलावा बहुत अच्छा ऑफर चला अभी 3070 के अंदर में, 58,500 में आपको मिल जाएगा 3070, वो भी जोटेक का, ठीक है, विद 5 ईयर्स वारंटी, हाँ 5 ईयर वारंटी के साथ में। देखो लोग इस प्राइसिंग से 2-3 हजार रुपए ऊपर देके बंदे बेच रहे कलरफुल का ड्यू, भैया कलरफुल ड्यू बंदा लेगा क्यों, जब मैं आपको जोटक दे रहा हूँ 5 साल वारंटी के साथ में, तो आप इसको लोगे और अच्छा ग्राफिक कार्ड है और एडिटिंग के अंदर में इसके मुकाबले आपको 3070 Ti रखते हो ना, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे, बहुत ही नॉमिनल वहाँ पे डिफरेंस है, आप ये रख सकते 58,500 रुपीज का, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा चलते हैं ग्राफिक कार्ड इससे ऊपर, 3070 Ti अगर आप लेते हो, ये MSI का है, MSI मिल जाएगा इसमें आपको, इसके अलावा वहाँ पे मैं दिखा दूंगा जोटेक भी है, इसके अलावा आईचिल भी है, तो ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग जो मॉडल्स हैं इसमें अगर कलरफुल से तो 67,500 से आपको मिल जाएगा वहाँ पे स्टार्टिंग, और हाई एंड भी अगर आप लेते हो आप जोटेक लो MSI लो, ये आपको मिल जाएगा 69,000 रुपीज़ का, ठीक है, 69 का आपको मिल जाएगा ये ग्राफिक कार्ड आपके बिल के अंदर में। और 3080 आपको मिल जाएगा, जोटेक का वेरिएंट मिलेगा इसमें जो ब्रांड वैल्यू उसकी, और वो आपको दे दूंगा मैं 82,500 रुपीज का, ठीक है, ठीक है। 3080 अभी स्टॉक में नहीं है, बट आज स्टॉक आ रहा है 3080 का, आपको वो मिल जाएगा 82,500 में, पीसी बिल्ड कराना है 10 GB का वेरिएंट वो मिल जाएगा। MSI का सुप्रीम एक्स, MSI का सुप्रीम एक्स मैं आपका करवा दूंगा, वो आपका अप्रॉक्स 86-87 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ये हाई एंड कार्ड है 3090, 3090 के साथ में अगर कोई बिल लेता है मेरे से ना, तो 3090 ये आपको दे दूंगा मैं 1,55,000 रुपीज़ का, 1,55,000 में मिल जाएगा आपको।
और वो ब्रांड न्यू सील पैक, कोई हम डिजिटल ओशन कभी भी कोई रिफर्बिश या यूज में कोई डील नहीं करता। तो आपने बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं व्हाट्सएप पे भैया कि यूज मिल जाएगा ऐसे मिले, तो वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो मिलेगा सारा ब्रांड न्यू सील पैक मिलेगा, चाहे आप एक मदरबोर्ड लो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे आपका कोई भी ग्राफिक कार्ड लो आप। इसके अलावा 3090 Ti भी आपको मिल जाएगा, जोटेक के अंदर मिल जाएगा, MSI मिल जाएगा आपको, और वो जो मिलेगा आपको मिलेगा 180,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये तो मतलब काफी हाई एंड पीसी के लिए होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये किन किन लोगों के लिए होते हैं मेनली? मतलब देखो मेजर जो इन जो हाई एंड जो गेमर्स होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा स्ट्रीमिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे गेमिंग यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 10 मिलियन, किसी के 20 मिलियन है, तो उनको अपनी जो है लाइक जो वीडियो की क्वालिटी है लाइक एडिटिंग के लिए हो या फिर जो उनकी रेंडरिंग होती है उसमें उनको हाई एंड टू हाई एंड ग्राफिक चाहिए होता है। ठीक है, और अगर आप लाइक 12900K लगा रहे हो या 5500X लगा रहे हो और आपको बहुत ही हैवी उसके अंदर काम करना है तो 3090 लगाओगे या फिर 3080 Ti लगाओगे। इसके अंदर हमने एक ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग हमने मिस कर दी, वो बता 3080 Ti। 3080 Ti आपको मिल जाएगा 110,000 रुपए का। ठीक है, और ब्रांड भी ऐसा नहीं है जो कोई नॉर्मल ब्रांड मिलेगा आपको, गैलेक्सी मिल जाएगा, जोटेक में आपको कोई, देखो अगर कोई भी ब्रांड अगर चेंज होता है ना तो आपको 1,000 से 2,000 रुपए डिफरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा कहीं डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो होगी यहाँ पे 3090 Ti तक की ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग। अब चलते हैं कुछ कार्ड हमारे जो AMD के हैं। AMD के जो स्टार्टिंग ग्राफिक कार्ड है, अभी जो नया है 6400 जो आया आपका AMD का, वो आपको मिल जाएगा 14,500 रुपए का। बट अभी जो हमारे प्राइसिंग आई है वो आपकी 14,500 में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सफायर में मंगाए, इसके अलावा MSI में मंगाए, दो ब्रांड मंगाए मैंने, सफायर भी आ रहा है, इसके अलावा आपको MSI भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करूँ वो मतलब एनवीडिया में किसके बराबर रहता है उसका? देखो एनवीडिया में आप कोई भी जो लाइक स्टार्टिंग मॉडल्स हैं आप उसको लाइक 1050 Ti से कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा सा दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जहाँ पे आपको 1050 Ti जो है 16-17,000 रुपए अभी मिल रहा है आपको, तो आप उसको छोड़ के आप वहाँ पे वो ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा 6500 XT, ये ग्राफिक कार्ड कभी आपको जस्ट लॉन्च हुआ था ये 25,000 के आसपास का था, बट आज के टाइम में ये इसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी 18,500 रुपीज़ की। 18,500। हाँ, और इसमें आपको ये गीगावाट का 3 फैन भी मिल जाएगा, इसके अलावा MSI मिल जाएगा, अब जो आपका MSI का मैक आता है वेरिएंट वो मिल जाएगा, और अगर सफायर चाहिए तो सफायर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा जो इसके ऊपर के ग्राफिक कार्ड है जो 6600 आपका 8GB ग्राफिक कार्ड है DDR6 वाला, वो आपको मिल जाएगा 34,000 रुपीज का। ठीक है। उसमें अगर आपको XT वाला वेरिएंट चाहिए, ये वाला, तो ये आपको मिल जाएगा बिल्ड के अंदर में 39,000 रुपीज का। ठीक है, तो अच्छे ग्राफिक कार्ड्स हैं और इनका जो PC के अंदर में या फिर आपका गेमिंग के अंदर में बहुत अच्छा रिव्यू है, आप जाके इसके रिव्यू डायरेक्टली जो आप YouTube पे चेक कर सकते हो, MSI का मैक वेरिएंट है, गेमिंग एक्स वेरिएंट है, बहुत सारे वेरिएंट इसके अंदर में, तो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा बताऊँ आपको, किसी को 6700 XT चाहिए, बहुत से लोग अलग अलग यूज होते हैं उसके हिसाब से उनकी डिमांड होती है, अगर आपको 6700 XT चाहिए तो वो अभी आपको मिल जाएगा अप्रोक्स 64,000 रुपीज का, सफायर का नाइट्रो 3 फैन वेरियंट। ठीक है, और अगर इसे नॉर्मल ब्रांड लोगे तो आपको वो 62 के आसपास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक ग्राफिक कार्ड मैं आपको ये बता रहा हूँ जो क्वाड्रो का है, स्टार्टिंग मॉडल से बहुत, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है, वो है आपका PNY की तरफ से अपना क्वाड्रो T400 2GB DDR6 वाला। ठीक है, ये आपको मिलता है अभी आपको मार्केट में, इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा भी बढ़ गई थी, बट स्टिल आपको ये मिल जाएगा आपके बिल्ड के अंदर में 7,400 रुपीज का। 7,400 2GB। हाँ, तो मतलब 1030 की जरूरत नहीं है इसमें, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस, बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। हाँ, मतलब इसमें से अगर आप PC बनाते हैं तो, हाँ अगर आपने लाइक i3 प्रोसेसर लगाया है आपका तो आप आराम से लगा सकते हो, i5 भी लगाया आपको, अगर अभी आपका बजट नहीं बन रहा तो आप ये लगा के आपका काम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके रिव्यूज तो काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज के। और इसमें 4GB वाला भी आता है? हाँ, 4GB वाला भी आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको
12,200 रुपीज का, 12,200 रुपीज का। इसके अलावा उसमें जो T400 है, सॉरी इसका T600 है, वो सब नहीं आ रहे हैं आपको। जो बाकी जो कुछ ग्राफिक कार्ड्स वो स्टॉक में है अभी मेरे पास में, उसकी प्राइसिंग अगर एक बार मेरे को चेक करनी पड़ेगी, लाइक P1000 T1000 है, ये सारे ग्राफिक कार्ड अभी है स्टॉक में। इसके अलावा आपको RTX 4000 जो है जो 3D एनिमेशन के लिए, वो आपको मिल जाएगा 59,000 रुपीज का। ठीक है तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सभी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग कवर कर ली है, और जितनी भी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग यहाँ पे, ये प्रॉपर आपके पीसी बिल्ड के साथ में है। आप पीसी बिल्ड लो, आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो मेरे से कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। प्राइसिंग हमेशा सिर्फ इसमें नहीं, प्रोसेसर है, बोर्ड है या रैम है, सभी चीजें आपको एक अच्छी प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है। और प्राइसेस विद GST होंगे या? सारे प्राइसिंग, जितने प्राइसिंग मैंने बताया आपको सारे विद GST है, मैं कभी भी प्राइसिंग विदाउट GST बोलते नहीं हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो आज के टाइम में जो लोग पीसी बना रहे हैं, मैं आपको बता, देखो पीसी जो बनता है ना, लोगों का एक ड्रीम होता है पीसी बनाना, ठीक है, और लोग अंधा पैसा आज के टाइम में पीसी बिल्ड के ऊपर में लगा देते हैं। यहाँ तक कि जब मैंने पीसी बनाया था, मैंने अपना पीसी 1,62,000 में बनाया था, और आप मानोगे ये तो अभी मैंने रिसेंट बनाया था, बट जब स्टार्टिंग मैंने पीसी बनाया था ना, तो घर वालों को बंदे झूठ बोलते हैं वहाँ पे, बोलते हैं मेरे को ये यूज है वो यूज है, और उनको आइडिया नहीं होता मैं मेरे को क्या चीज लगाना है। तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए 3090 कैसा रहेगा? हाँ, ऑनलाइन क्लास के 3090 बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे, और इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लास करनी है, फिर तो आपका जो RTX 3090 Ti वो बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो ऐसे देखो, जब भी आप लेते हो, अगर आपको नहीं आइडिया है, आप जो इनके प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो रेगुलर इस इंडस्ट्री में है, और कोई बंदा इस बात को सीरियस नहीं लगे, इसे मजाक की बात हो रही थी। हाँ, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, जब पीसी आप बनाते हो ना, आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स अगर आपने अभी 3060 लिया, उसकी प्राइसिंग के हिसाब से, या फिर 3060 Ti लिया, आपके मीन्स आपका यूज क्या है, ठीक है, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग अपने जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, या फिर जो मदरबोर्ड्स हैं, या फिर जो आप प्रोसेसर लगा रहे हो, उसके हिसाब से वो सारी चीजें आपस में कंपेटेबल होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने बोर्ड ले लिया स्टार्टिंग के 610, प्रोसेसर लगा दिया उसमें 12700 के, ग्राफिक कार्ड लगा दिया 3090। तो ऐसा नहीं करना भाई लोग, सिंपल सा है, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, आप 5-6 जगह से जो आपकी प्राइसिंग लेनी है, आप प्राइसिंग ले सकते हो। और इसके अलावा जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं, जिनको आइडिया है उन चीजों का, आप उनसे वो चीजें पूछ सकते हो कि भैया एक चीज बताओ मुझे, अगर आपने ये बोर्ड लगाया तो इसका मेरे प्रोसेसर के साथ में क्या यूज है, कितना रैम का यूज है उसके अंदर में, या फिर जो क्या परफॉर्मेंस आएगी गेमिंग के लिए आप, तो मेरे क्या FPS आएगी, और क्या उसकी फ्रेम सेकंड, सारी चीज आपको वहां पे जाननी जरूरी है। ये छोटे छोटे टिप्स आपको आपके पैसे भी बचाएंगे, और इसके अलावा अभी जो मार्केट में सारा कुछ सीन चल रहा है कि प्राइसिंग जो बढ़ने का हवा बना रखा है ना, तो उस चीज से आप वहाँ पे बच जाओगे। और हमसे पीसी बिल्ड करवाने के यहाँ पे मैं आपको देखो कुछ चीजें बताऊंगा, पीसी तो यहाँ पे हर कोई बना के दे सकते हैं आपको, बट कुछ चीजें होती हैं जो वहाँ पे मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग पीसी बनाते हैं उसका यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट होके आपको पीसी आपके हाथ में मिलेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं, बट आपका पीसी बिल्कुल ओके करके देंगे, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे पास अभी हमने रिसेंट में एक जो फैसिलिटी स्टार्ट किया, वो ऑन साइट सपोर्ट का, ऑल ओवर इंडिया यहाँ से ऑन साइट सपोर्ट है, उसके लिए आपका 2999 का एक पैकेज है, अगर आप वो लेना चाहते हैं ले सकते हो, उसमें आपको 3 साल का प्रॉपर आपको आपके घर पे ही सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है इसके अलावा किसी को अगर छोटी मोटी दिक्कत आती है, लाइक किसी सॉफ्टवेयर का ऐसा कुछ, तो वो हम लोग यहाँ पे वीडियो कॉल पे ही सारी चीज सॉल्व करवा देते हैं। मीन्स आपको ओवरऑल अगर मैं बताऊँ सारी जो बात उसकी समरी में, तो आपको आपके बिल्ड के साथ में प्रॉपर 3 ईयर वारंटी, टेक सपोर्ट, और इसके अलावा आपके पीसी का स्ट्रेस, तीनों चीजें आपको यहाँ से होके मिलेंगी, और आपको कहीं से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पीसी बाय करना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी जो प्राइसिंग के लिए भेज सकते हो, इसके अलावा दिल्ली इंसर वाले डेली शॉप पे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे सभी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस देख लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और यहाँ का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं कम्प्लीट करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।